तवांग न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं आप सबका हम फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान की जो पहचान है वो उनके कर्म से होती है। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान हमारे तमरो गांव अपर सियांग से यहाँ तवांग में आए हैं, और वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे अरुणाचल के खासकर जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें काफ़ी सारे कार्य किए हैं, और उन्होंने हमारे टूरिज्म सेक्टर को और कई सारे देशी और विदेशी जो पर्यटक होते हैं उनको अरुणाचल लाने में बहुत ही बड़ा उनका योगदान है। तो सबसे पहले मैं तवांग न्यूज़ के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद। और हमारे साथ आज हमारे आज के खास मेहमान ओकेन टाइंग सर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ओकेन सर, मैं आज के इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि सर हमारा जो तवांग है वो भी एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर भी कई सारे टूरिस्ट आते हैं। तो सर हम इस टूरिज़्म को लेके आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ एडवाइस लेना चाहेंगे, ताकि हमारे जो यूथ हैं वो सर आपको फॉलोअप करके सर वे भी एक सेल्फ रिलाय हो सके और उनको भी टूरिज्म सेक्टर से उनका भी गुजारा चल सके सर। तो सर सबसे पहले तो सर आपका जो ये अगोर कंट्री ट्रेवल्स एंड एक्सपीडिशन है सर वो आज वर्ल्ड वाइड फेमस है सर, और अभी तक हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिला है लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सर हमने उसे देखा है। तो जो अगोर है सर वो तो सर हमारे शायद अरुणाचल के कई सारे ट्राइब उसमें आते हैं, तो सर ये नाम आपको इसका ख्याल कहाँ से है सर? एक्चुअली अगोर नाम जो है हमारा आदि ट्राइब का पुराना नोमेनक्लेचर है, जो हमको इंग्लिश लोग या पुराना यू नो 30s 40s 50s में अगोर कहा जाता था। जी जी जी। तो बहुत लोग इनको जो है डिरोगेटरी समझता था हमारे आर्मी लोग की, अगोर बोलने से अच्छा मीनिंग अच्छा नहीं है, डिरोगेटरी है, हमको थोड़ा नीचा नाम होता है। लेकिन मैंने काफी रिसर्च किया इस पर, तो अगोर जो है इट मीन्स पीपुल यू कैन नॉट डिफीट, इंडोमिटेबल पीपुल, जिसको आप जो है आप जिसको डिफीट हरा नहीं पाता है। तो ये मैंने सोचा इससे अच्छा नाम अपना ट्राइब का अच्छा इससे अच्छा नाम किया होगा, तो मैंने सोचा अब और उसको ये नाम को लेके हमको बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैंने सोचा और अब और कंट्री मैं जहाँ से आता हूँ सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो उसी का नाम उसी को लेके अब और कंट्री का नाम। वैसा जैसे आपने कहा है कि हमारा अबोर का मतलब होता है अनडिफीटेड, और अगर हम अंग्रेजों के समय से देखा है तो हम अगर एंग्लो अबोर वार की जिक्र करें जिसमें हमारे एक नोएल विलियमसन को वहाँ पे हमारे अबोर लोगों ने अपने बहादुरी दिखाते हुए वो किया था, उसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। और सर हाल ही में सर आपको जो चेयरमैन है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम को छोड़ के जो हमारे ऑल इंडिया के जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है उसका आपको चेयरमैन चुना गया है, तो सर उसके लिए भी हम आपको बहुत सारे हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। तो सर अगर हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो सर हमारे अरुणाचल में भी काफ़ी सारे स्कोप है सर एडवेंचर टूरिज्म को, तो अभी आप ये हमारे पूरे अरुणाचल वासियों के लिए गर्व की बात है कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आपको सर इसका चेयरमैन बनाया गया है, तो सर आपका क्या प्लान होगा कि एडवेंचर टूरिज्म को लेकर आप किस तरह से कार्य करेंगे सर? पहले तो ATOI एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिस इज द नेशनल बॉडी फॉर एडवेंचर टूरिज्म, तो इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, बड़ा ही एक रिस्पांसिबिलिटी है मेरा ऊपर, सारा नोटिस का चैप्टर चेयरमैन हूँ, और ये गौरव का बात है हमारे लिए कि मैं अरुणाचल से हूँ। तो अरुणाचल इज अ बिग प्ले ग्राउंड, कैन बी अ बिग प्ले ग्राउंड फॉर एडवेंचर टूरिज्म, यहाँ बहुत कुछ आउटडोर एक्टिविटी हो सकता है, हमारे नेचर आपको मालूम है ऑलमोस्ट 80% फॉरेस्ट कवर है, और सबसे बढ़िया नदी राफ्टिंग में करो या आप कायाकिंग में करो, तो सम ऑफ द बेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड हमारे अरुणाचल में है, आप ट्रेकिंग में ले लो, हमारा बेली ट्रेल हो गया, नागाजी ट्रेल हो गया, ये तो अभी एक छोटा सा हमारा एक हिस्सा है, अदरवाइज और बहुत हमारे बहुत ही इलाका है जिसको आप लोग अभी तक डिस्कवर नहीं किया, तो हमारा इसको बहुत बड़ा है। और अभी रिसेंटली काफ़ी सारे एक्टिविटी शुरू हुए, पैराग्लाइडिंग शुरू हुए, अभी कायाकिंग राफ्टिंग ट्रैकिंग अलग अलग डिसिप्लिन एडवेंचर के तौर में हो रहा है, लेकिन हम जो है ध्यान में ये रखना है कि ये सब जितना भी एक्टिविटीज़ है इंजॉयबल है, थ्रिलिंग है, एनरिचिंग है, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, और आदमी के ह्यूमन लाइफ से बड़ा कुछ नहीं, आपका सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो ये जो है हमको थोड़ा ध्यान देना है। तो हमने कोई बार डिस्कशन भी किए
गवर्नमेंट मीटिंग्स में भी कॉन्फ्रेंस में कि जो है सेफ्टी रेगुलेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल को हम कैसे ठीक करें। तो जितना भी हमारे स्टेक होल्डर्स है जो चाहे कोई लोग ट्रैकिंग करवा रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बाहर से गिर जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाए, उसको फर्स्ट एड क्या होगा, उसको CPR आना चाहिए। सो ये सब जो है हम लोग वी हैव टू पुट दिस इन प्लेस, नहीं तो एक बार कुछ हो जाएगा सबका ये बहुत ही बड़ा बदनाम होगा प्लस बिजनेस भी बंद हो जाएगा। आप अभी पैराग्लाइडिंग करवा रहे हो वहाँ से कोई एक्सीडेंट हो गया तो सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। सो आई थिंक हम लोग ये इसको सोच के एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि एडवेंचर टूरिज्म हो अच्छी तरह से और उसमें सेफ्टी रेगुलेशन 100% इन प्लेस हो। और सर जहाँ तक देखा जाए तो सर आप जॉइंट सेक्रेटरी है सर इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के, तो सर आपके नेतृत्व में सर अभी तक हमारे अरुणाचल के कौन कौन से जिलों में सर ये राफ्टिंग का कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रम या प्रोग्राम हुआ है जिससे हमारे काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए होंगे सर? तो मैंने जैसे बोला कि ये हमारा रिवर्स जो है स्पेशली सियांग रिवर्स इसको जो है वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट रिवर्स। तो मैंने पर्सनली भी काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरा जो जगह है बिल्कुल सियांग के पास ही है, तो मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने कोई बाहर में भी जैसे कोलोराडो रिवर ग्रैंड कैनियन वगैरह में भी मैंने राफ्टिंग किया हूँ। तो यह है बहुत ही अच्छा वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़, थ्रिलिंग होता है। तो अरुणाचल में सियांग रिवर में काफ़ी बार नेशनल चैम्पियनशिप भी हुए, रिसेंटली भी हमारे नेशनल चैम्पियनशिप सियांग में कंडक्टेड हुआ। तो मैं पर्सनली खास इन्वॉल्व नहीं था लेकिन बहुत ही अच्छा गया और सब लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन और हमारी कल्चर को, क्योंकि वो राफ्टिंग के साथ में इनकॉर्पोरेटेड विद अदर एस्पेक्ट्स, आप उसमें कल्चरल का हमारे कल्चर का एक प्रेजेंटेशन होता है, हमारा एनवायरनमेंट का एक प्रेजेंटेशन होता है और हमारा जो हॉस्पिटलिटी का एक प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें जो है सब कुछ आ जाता है। सो इसे यू नो इज अ पैकेज ऑफ एक्टिविटीज। अभी तक सर आपने अपने जो टूरिज्म में एक ऐसे टूर ऑपरेटर काम किया है तो अभी तक सर आपको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं सर, उन सभी अवार्ड के लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे सर, जैसे कि आपको बेस्ट टूर ऑपरेटर अवार्ड 2017 और हमारे जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2022 में भी आपको नॉमिनेशन हुआ है, अवार्ड मिला है, और 2013 में भी सर आपको जो हमारे अरुणाचल सरकार के जो टूरिज्म विभाग है उसके तरफ से भी आपको सर बेस्ट ऑपरेटर का अवार्ड दिया गया है। तो सर आपके नज़र से क्या लगता है कि सर हमारे जो खासकर जो फॉरेन टूरिस्ट है सर उसको हमसे किस तरह से अरुणाचल में अट्रैक्ट कर पाएंगे सर? एक तो ये अवार्ड्स जो है मैं तो अपना काम करता हूँ एंजॉय करता हूँ और कम्युनिटी के साथ, क्योंकि हमारे जो टूरिज्म एक्टिविटी का प्लेग्राउंड का गार्जियन है वो कम्युनिटी लोग होते हैं, तो उनके साथ मिल काम करते हैं और जब ये अवार्ड्स वगैरह आते हैं तो खुशी होता है, लेकिन हम ये सोच के कभी काम नहीं करता है। तो अभी फॉरेनर्स हो या इंडियंस हो तो उनको जो है एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए वो यहाँ पे आते हैं, तो हर एक बार वो लोग सोचता है कि हम वहाँ जाए एक ऐसा एक्सपीरियंस करें कि उनको जिंदगी भर याद रहे, अच्छी याद नहीं खराब याद नहीं। तो जो है और टूरिज्म भी ऐसा सीच है कि यू नो इस इंडस्ट्री पर स्मोकलेस इंडस्ट्री, तो एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि वो भी टूरिस्ट भी इंजॉय करे और हम भी इंजॉय करें, तब जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो नंबर वन हमारा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना भी हमारा जगह का फर्स्ट इंप्रेशन होता है क्लीनिंगनेस, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बड़ा बड़ा घर बनाएगा, सुंदर घर बनाएगा, पेंटिंग करेगा, लेकिन आपका जो सबसे अच्छा फसाद जो है दिखावा जो है वो आपका स्वच्छ क्लीनिनेस होता है। तो हमारे अभी बहुत ज़्यादा अरुणाचल में अलग अलग जगह में अभी सियांग आपको वे सियांग में ऐसा बहुत ही आपका ये जो मिशन चल रहा है अभियान चल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ क्लीनिनेस बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है। तो तावांग में जो है अभी मैंने देखा लकीली अभी भी काफ़ी लीटर प्लास्टिक वगैरह है, तो ये हमको आई थिंक नंबर वन प्रायोरिटी कि सफाई हो। तो अभी टूरिस्ट वाले भी लीटर करता है लेकिन बाहर वालों को समझाने से पहले हम अपने आप को क्लीन करना चाहिए। ये बिल्कुल ये कोई कठिन वाला काम नहीं है, अपना मेंटली आप अगर प्रिपेयर करें कि हमारी जगह साफ हो, प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो
और गैरेज मैनेजमेंट ठीक हो तो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, वो सबसे बड़ा फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो फॉरेनर आएगा तो आपका यही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन, फॉरेनर और इंडियन भी आजकल बहुत कॉन्शियस होता है क्लीनिनेस का। तो आई थिंक नंबर वन क्लीनिनेस और यू नो इफ पॉसिबल जीरो प्लास्टिक, वो होने से आपका ऑटोमेटिकली जो है एक जगह अट्रैक्टिव हो जाता है। तो सर आपने जो अपना अवर कंट्री ट्रेवल्स एंड एक्सपीडिशन उसकी शुरुआत सन 2002 में की थी सर, तो सर सन 2002 में जब आपने इसकी शुरुआत की है तो ये तो ह्यूमन नेचर है या तो हमारे जो संसार का नियम है कि कुछ भी चीज़ आप नया शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी कठिनाइयों से झेलना पड़ता है। तो सर ऐसे कैसे कठिनाई से आपने झेल के आज आपका जो अवर कंट्री है वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है, और सर अभी के डेट में सर आपके अंदर कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं सर? ये शुरू में तो हमारे जनरेशन में 2000 में ये बहुत ही एक नॉन लीनियर नया लाइन था, तो हमारे पेरेंट्स रिलेटिव्स वेशर हम लोग को सोचते थे कब ऑफिसर बन जाएगा कब डॉक्टर बन जाएगा। तो हमने जब ये लाइन चूज किया तो बहुत ही अपोजिशन था, पेरेंट्स लोग बोला ये क्या करने जा रहे हो, ये यू नो घूमते रहते हो। तो एक दो साल तो मैंने भी सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मम्मी जी भी सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जो है आप जो है अपना एक डिटर्मिनेशन और एक पेशन पर रख के चलने सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाता है और आप इंजॉय करना है। आप जब इंजॉय करेंगे तो शुरू में हमारे साल में दो कभी कभी दो ग्रुप आते थे, फिर तीन ग्रुप करके, फिर आपने अपना हार्ट एंड सोल लेके जब क्वालिटी काम करेगा उनको क्वालिटी सर्विस देगा तो ऑटोमेटिकली आपका हर एक क्लाइंट आपका एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो उससे आपका ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्किंग आपका क्लाइंटेल एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो सर अभी के डेट में सर आपके अंदर में कितने स्टाफ काम करते हैं? अभी हमारा अभी आपको मालूम है दो तीन साल से कोविड के वजह से काफ़ी सबको प्रॉब्लम हुआ, हमारा तो बिल्कुल ही एक्टिविटी खत्म हो गया बिकॉज टूरिज्म तो लोगों का मूवमेंट से होता है। जी जी, जब मूवमेंट खत्म हो गया तो बिल्कुल आमदनी खत्म हो गया था। तो इनिशियली हमारा 14 मेंबर्स तक था हमारे स्टाफ, तो कोविड के टाइम में बिल्कुल कौन सा छोटा हो गया था, दो तीन मेंबर्स ही रह गया था। तो फिर अभी धीरे धीरे अभी वापस आ रहा है, तो करेंटली हम लोग 4-5 लोगों से चला रहे हैं, फिर अभी देखता हूँ आगे बढ़ने का। सर मैंने आपको ये सवाल इसलिए पूछा है सर क्योंकि एक समय था जब सर हमारे लोग सर एजुकेटेड कम लोग थे, तो सर जो पढ़ते थे सर उनको सरकारी नौकरी अच्छी तरह मिल जाते थे, लेकिन आज सर कंपटीशन का ज़माना है सर, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि जितने भी लोग ग्रेजुएशन करेंगे या मास्टर्स करेंगे उनको नौकरी मिलेगी सर। और आपका सर एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि आप पढ़ाई इसलिए नहीं करना है कि आपको सरकारी नौकरी ही मिलना है, क्योंकि सरकारी नौकरी कॉम्पिटिशन होके बेस्ट ऑफ दी बेस्ट को ही मिलेगा सर, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा लेकिन जो बेस्ट है सर उसी को मिलेगा। लेकिन आप सर टूरिज्म से भी अपना सर गुजारा कर सकते हैं, आप किसी के पीछे एम्प्लॉय के लिए नहीं घूमना पड़ेगा, आपको उल्टा आप किसी और को एम्प्लॉय दे सकते हैं सर, इसलिए मैंने आपका सर ये सवाल पूछा था सर। तो सर अगर हम तवांग की बात करें सर, तो तवांग में सर ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट तो काफ़ी साल आ रहे हैं, और पोस्ट कोविड सर अभी फिर से यहाँ पर टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं सर वो यहाँ पर मैक्सिमम 2 रात ही ठहरते हैं सर, एक रात आएंगे सर, नेक्स्ट दिन वो आपके जो बुमला पास है जो संगेतसर लेक है सर वहाँ चले जाते हैं, और तीसरे दिन यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो सर आप चूँकि आप सर अभी हमारे पूरे ऑल इंडिया लेवल के सर हमारे जो एडवेंचर टूरिज्म के चेयरमैन हैं सर हमारे नॉर्थ ईस्ट चैप्टर के, तो सर हमारे इस तवांग सेक्टर में भी सर हम अगर कुछ एडवेंचर टूरिज्म कुछ यहाँ पे कुछ क्या क्या कुछ स्कोप सर हम कर सकते हैं सर यहाँ पे, ताकि हमारे टूरिस्ट को हम यहाँ पे और कुछ दिनों के लिए ठहरा सकें सर? नहीं, एक तो आपने जैसे बोला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमारा तवांग अभी ऐसा हो रहा है कि ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो रहा है, लोग आते हैं तवांग में सीमित रह जाता है उनका जो है, 2 रात बैठ गया, गोम्पा देख लिया, आनी गोम्पा देख लिया, और संगेसर चला गया, बुमला पास चला गया, उसके बाद में फिर वापस चला जाता है। और अभी जो है और ये उसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही होटल आ रहा है, कभी कभी इतना टूरिस्ट आ जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उसमें जो है वो थोड़ा क्वालिटी उसमें इफेक्ट हो जाता है। और जो है जो आदमी यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी एक एटमोसफियर चाहिए जिसको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसा देने के लिए तैयार है, रात को कोई कोई अभी बहुत जगह है उसमें लोग जो है 30-40-50-60,000 भी पे करते हैं, तो वो लोगों के लिए ये जगह थोड़ा
अभी मतलब उनका सिचुएशन करने ऐसा उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक सैटेलाइट डेस्टिनेशन होना चाहिए। जैसे अभी तावांग के बाद आप डोरात के बाद कहाँ जाओगे, यहाँ तो डोरात के फिर वापस चला जाता है। तो अभी जितना जिमीथांग इतना एक सुंदर जगह है, उसमें बहुत ही आपका सीनिक ब्यूटी अच्छा है, और क्लाइमेट भी तावांग से थोड़ा मॉडरेट है, और आपका वहाँ में ब्लैक नेक क्रेन आता है। अभी रिसेंटली आप मैंने सुना एक बर्डिंग फेस्टिवल वहाँ भी बहुत स्पेसिस दिखा गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जो गोरसांग छोटन है आपका, ये दुनिया का तीन में से एक है, जो बोडा में एक है, एक ताशिंगा भूटान में है, द टेम्पल विथ टू बिग आईज। तो ये वर्ल्ड का बहुत ही यूनिक एक मोनूमेंट है, वन इन नेपाल, वन इन भूटान एंड वन अपने यहाँ पे। और नंबर टू आपको मालूम है ये जो हिज होलीनेस का जो 1959 में लासा से यहाँ जो ट्रेवल किया था, ये रूम भी यहाँ, ये बहुत ही हमारा एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सो इट्स ये एक गोल्ड माइन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन आपके स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस के लिए बहुत लोग, आप अगर उनका जो रूट को रिट्रेस करके लाए, ये बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अभी एक सेटेलाइट डेस्टिनेशन, आप तावांग के बाद कहाँ जा सकते हैं, तावांग के बाद अभी लुमला में डोरात, जिमीथांग में डोरात, ये बहुत ही अच्छा सर्किट होगा। तो ये हमारे जो 108 जो वाटरफॉल है चुमी के साथ में होता है, सर जैसे आपने सर हमारे जिमीथांग का जिक्र किया है, सर तो हमारे लुमला में भी सर अभी जो मेन भूटान बॉर्डर है सर, वहाँ पे भी एक चंपा लगन सर बहुत ही खूबसूरत स्टेचू बन रहा है सर, और हमारा जो ड्रेमा लगन है सर वो तो ऑलरेडी बन चुका है। तो सर ऐसे इस विषय में सर हमारे एडवर्टाइजमेंट में कुछ कमी हो रही है कि किस चीज़ की कमी हो रही है कि जो टूरिस्ट है वो सिर्फ तावांग तक ही सीमित हो जाए सर? नहीं नहीं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, दैट्स वही है मेन प्रॉब्लम। आप देखो वो जगह, आप फोटो दिखा दोगे संगे सर का, आपका ये जो सीमी का सर का, आप गोरसांग छोटन का फोटो दिखा दोगे, तो उन लोग वहाँ अगर जाना चाहे तो फर्स्ट उनका क्वेश्चन होगा कि रहने का क्या प्रबंध है। तो वो जब नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट आपका टेक ऑफ नहीं होगा, लेकिन वो जब वो आप एक रहने का अच्छा जगह होगा, सुबह आप सुबह उठ के वो नज़ारा दिखेगा, वो एक्सपीरियंस के लिए आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक मतलब जो है नीट एंड क्लीन एकोमोडेशन होने से ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा। और सर अगर हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें तो हमारे तवांग में ऐसा कुछ स्कोप है कि हम यहाँ पे कुछ बंजी जंप हो, कुछ रॉक क्लाइंबिंग या जिप लाइन सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल तैयार प्लेग्राउंड है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि ये सब चीज़ें सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत चीज़ हो सकता है, कायाकिंग हो सकता है, रॉक क्लाइंबिंग हो सकता है, लेकिन जो है और ये बार एक चीज़ ध्यान रखना है कि टूरिज्म इज नॉट एवरीथिंग, यू नो इज नॉट द आंसर फॉर ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और बहुत चीज़ें एग्रीकल्चर हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है स्लोली मूव करना है, सस्टेनेबिलिटी इसको ध्यान में रखना है, और हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखना है, तो जो है हमारा क्वालिटी टूरिज्म होगा, और आगे के लिए सोचना है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट और हमारा जो टूरिज्म प्रोडक्ट है। और एज एन टूर ऑपरेटर सर, अभी तक सर जो आप कार्य कर रहे हैं तो सर उसमें हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको, चाहे हमारे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हो, तो उसको सर आप किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है सर? नहीं, अब ऐसा है कि आप अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आप नज़र में आ ही जाता है, तो आप जो है आपका असिस्टेंस के लिए सपोर्ट के लिए आप काम करेगा तो आपके पास आए कभी नहीं आएगा लेकिन आप अपना काम में फोकस रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सब आ जाता है। तो मैंने जितना भी काम किया, मैंने कभी भी असिस्टेंट के लिए नहीं सोचा, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट के लिए नहीं सोचा, अवार्ड के लिए नहीं सोचा, लेकिन मेरा जब काम एक थ्रेशोल्ड में आ गया कि एक क्वालिटी और एक रेपुटेशन आ गया, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। तो सर आपने जो हमारे टूरिज्म को लेकर काफ़ी सारी जानकारी दी है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अंत में सर हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे जो यूथ है सर, स्पेशली काफ़ी सारे यूथ पूरे इंटायर अरुणाचल में है सर, जो ग्रेजुएट या तो मास्टर्स करके ऐसे बैठा हुआ है, और सर ऐसा कहा जाता है कि जो खाली दिमाग है सर वो शैतान का घर होता है, तो सर आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो यूथ है सर उनका? नहीं नहीं बिल्कुल, आइडल बैठने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप जितना भी जल्दी शुरू करो कुछ, आपको जो है एक्टिव रहना है,
और जो भी एंटरप्राइज मैं कहता हूँ, आप जो है टूरिज्म में हो, बिजनेस में हो, आप राइटिंग में हो, क्रिएटिव में हो, एक टाइम आपको जो है मैच्योरिटी का एक टाइम पीरियड होता है, आपको एक वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर्स, थ्री ईयर्स में आपका नॉर्मली मेरा थिंकिंग से आप जो है जो भी एंटरप्राइज करो आप थ्री ईयर्स में आप एक लेवल में आ ही जाएगा। अगर थ्री ईयर्स में नहीं आया तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो है एक्टिव रहना है और एक अच्छा चीज होने के लिए टाइम लगता है, पेशेंस होना है और अपना एक प्रिंसिपल और अपना जो है वो मेंटेन करना है और फोकस रहना है। आप बहुत चीज करने चाहोगे तो आप सक्सेस नहीं होगा, एक फील्ड चूज करके उसमें आप स्पेशलाइज आपका एक्टिविटी फोकस रहने से सक्सेस बिल्कुल 100% आएगा और आप इंजॉय कर रहे हैं अपना काम सबसे इम्पोर्टेंट। तो सर ओकन टैंग सर थैंक यू वेरी मच हमारे स्टूडियो में आने के और हमें टूरिज्म से रिलेटेड ये सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।